इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस की देश भर में चर्चा है, जिसके बॉयफ्रेंड आफताब ने 6 महीने पहले उसे मारकर 35 टुकड़े कर दिए। आप कहीं चले जाइए, लोग चर्चा कर रहे हैं, यार कैसे मार दिया, 35 टुकड़ा कर दिया, आदमी है, हैवान है, कैसे कोई ऐसा कर सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया जिसके साथ रह रहा था। और इतना ही नहीं कि मार दिया, उन टुकड़ों को वो फ्रिज में रखकर 2 महीने तक अलग अलग जगहों पर ले जाकर फेंकता रहा, और इस दौरान वो पूरी तरह से सामान्य जिंदगी भी जी रहा था, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इसलिए आज ये चैप्टर खोलना जरूरी था, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको कहीं और, जैसे मैं कहता हूं कि नहीं पता चलेंगी, वो बातें आज आपको बतानी जरूरी। और आज जो मैं ये चैप्टर खोल रहा हूं, इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा, पहले आपको बता देता हूं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के 2 हिस्से होंगे। पहला, जिसमें आफताब के बारे में बताऊंगा, टुकड़े टुकड़े करने वाला आफताब, उसके बारे में क्या शॉकिंग डिटेल्स पता चली है। और दूसरा हिस्सा इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा कि वो 4 कौन हैं जिनके बारे में आपको सुनना चाहिए, और जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन 4 का क्या कनेक्ट है आफताब से। क्योंकि अभी चर्चा सारे लोग, मैं देख रहा हूं सिर्फ आफताब आफताब आफताब, 35 टुकड़े कर दिए, ये चल रहा। इस चैप्टर में हम आफताब और उन 4 के बारे में भी बात करेंगे, और दोनों के बारे में आपको सुनना जरूरी है। आफताब की बात सब कर रहे हैं, लेकिन उन 4 की बात कोई नहीं कर रहा। जितना जरूरी आफताब के बारे में बताना है, उतना ही जरूरी उन 4 के बारे में भी बताना है। लेकिन पहले आफताब, फिर वो 4। पहले ये जान लीजिए कि श्रद्धा मर्डर केस में आज क्या क्या हुआ और जांच कहां तक पहुंची। दिल्ली पुलिस आज आफताब को लेकर मेहरौली के जंगलों में गई। दावा है कि यहीं पर, जो आप जंगल देख रहे हैं, यहीं पर आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करके फेंक दिए। दिल्ली पुलिस ने यहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। क्राइम सीन रिक्रिएट करना मतलब आप जो आरोपी है उसको लेके जाते हैं, पूछते हैं कब आए, क्या किया, अच्छा इधर फेंका, ये किया, इधर फेंका होगा तो ऐसा हुआ होगा, एक एक चीज, मतलब उस वक्त क्या हुआ होगा उसको रिक्रिएट किया जाता है, ताकि समझने में मदद मिले कि क्या चीज कहां हो सकती है। 3 घंटे दिल्ली पुलिस ने जंगल को खंगाला। आफताब को लेकर गए थे तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मानव शरीर के 13 हिस्से भी इकट्ठा किए, 13 हिस्से मिले हैं, और इन टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि पता चल सके कि क्या ये श्रद्धा के शरीर के ही टुकड़े हैं। इसके लिए श्रद्धा के पिता से DNA मैच भी कराया जाए। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को शहर के अलग अलग जगह पर फेंका था। दिल्ली पुलिस आफताब को कुछ और इलाकों में भी लेकर जाएगी। पुलिस फिलहाल बाकी हिस्सों की तलाश कर रही है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर आफताब ने शव के टुकड़ों को कहां कहां पे फेंका था। ये देखिए, आप दिल्ली पुलिस के जवान ह्यूमन चेन बना के आपको रोके हुए हैं ताकि मीडिया अंदर ना जा सके, लेकिन इसी जो जंगल है, इसी जंगल के अंदर आफताब को ले जाया गया है, जहां पे उससे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने शव के टुकड़ों को कहां कहां पे फेंका था, और उसके अलावा और कौन कौन सी चीज थी जिसको उसने इसी जंगल में फेंका था, और क्या वो रास्ता होता था, कौन वो लोग होते थे, किस तरीके से पूरा मॉड्यूल ये काम करता था आफताब का, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, आखिर उसको इस एड्रेस के बारे में किसने बताया था, इन सभी बातों की पड़ताल जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। अब जब पुलिस आफताब को पकड़ कर ले जा रही है तो मुंह ढक के चल रहा है। जब श्रद्धा के 35 टुकड़े कर रहा था तब इसको शर्म नहीं आई, तब इसको हया नहीं आई, तब इसके दिमाग में यह सब नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। जब उसको फ्रिज में रखकर सामान्य जीवन जी रहा था तब चेहरा नहीं ढक रहा था। अब मीडिया के सामने वैसे ही पहले से कपड़े से सिर चेहरा ढका हुआ है, तो अब मुंह पे हाथ रख रहा। लेकिन पेशेवर अपराधियों के व्यवहार, बर्ताव और सोच से उनके बारे में पता चल जाता, जिससे आप अलर्ट हो सकते। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे क्राइम में एक बात जो है, जो सबसे ज्यादा चर्चा की जानी चाहिए, कि आफताब जैसे जो लोग होते हैं, जो सामान्य हैं, जो आसपास हैं, जो क्रिमिनल नहीं है, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, उनके बारे में कैसे पता चलेगा भाई। श्रद्धा को कैसे पता चलता कि ये लड़का कल उसको मार के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख देगा, क्योंकि दिखने में तो सामान्य है लेकिन पेशेवर अपराधियों से भी भयानक वारदात कर रहा है। ऐसे अपराधियों के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संकेत मिलते हैं।
जिससे वक्त रहते अलर्ट हुआ जा सकता है। वो संकेत क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बॉयफ्रेंड के अंदर भी तो आफ्ताब नहीं है, आपके पति के अंदर भी तो आफ्ताब नहीं है, आपकी पत्नी के अंदर तो आफ्ताब नहीं है, उसके दिमाग में आफ्ताब वाली बातें तो नहीं चल रही, वो भी आज आपको बताऊंगा अभी। क्योंकि श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखने के बाद आफ्ताब एकदम सामान्य जिंदगी जी रहा था, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। पुलिस के सोर्सेस बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफ्ताब कुछ लड़कियों के संपर्क में था। अब जानकारी यह पता चल रही है कि आफ्ताब बंबल ऑनलाइन डेटिंग ऐप है उस पर एक्टिव था, लड़कियां ढूंढ रहा था, गर्लफ्रेंड बना रहा था। कहा जाता है कि इसी डेटिंग ऐप से आफ्ताब श्रद्धा से भी मिला था। दिल्ली पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफ्ताब की प्रोफाइल मांगेगी ताकि यह पता चल सके कि यह किस किस से मिला भाई, और सिर्फ श्रद्धा का ही मामला है कि किसी और को भी मारा रहा है। अभी पुलिस खंगाल रही है, क्या किसी और लड़की से आफ्ताब की दोस्ती श्रद्धा के मर्डर की वजह तो नहीं थी, यह भी पता चलेगा। पुलिस डेटिंग ऐप पर आफ्ताब के प्रोफाइल को एनालाइज करेगी, उसकी चैट्स देखेगी ताकि उसकी मनोस्थिति का पता चले। इसके जरिए पुलिस उस लड़की तक भी पहुंच सकती है जो श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब के फ्लैट पर आई। अब लड़की का क्या दोष, उसको क्या पता ये आदमी फ्रिज में अपनी गर्लफ्रेंड का सिर रखकर और बॉडी रखकर बैठा हुआ है, क्योंकि देखने से थोड़ी लग रहा है कि ये मर्डरर है। आफ्ताब के बाकी रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए दिल्ली पुलिस उसके दोस्तों से भी संपर्क, पुलिस आफ्ताब के दोस्तों के जरिए भी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब कई लड़कियों को डेट कर रहा था, या फिर श्रद्धा के साथ रहते हुए भी वो कई लड़कियों के संपर्क में था और श्रद्धा को धोखा दे रहा था। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। क्या अक्सर युवाओं को लगता है कि घर वाले बहुत टोकते हैं, उन्हें लगता है कि परिवार वाले उनकी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, हमको सब ठीक पता है, अक्सर युवाओं को लगता है ये उनकी जिंदगी है, वो अपने फैसले लेने के लिए आजाद है। श्रद्धा ने भी अपने परिवार वालों से यही कहा, लेकिन परिवार वाले हर बार गलत नहीं होते, हर बार सही नहीं होते, लेकिन हर बार गलत भी नहीं होते। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों का परिवार मुंबई के वसई में रहता है। श्रद्धा अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहा करती थी, पिता अलग रहते थे। 2019 में श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते के बारे में सबको पता चल गया। 2019 में ही श्रद्धा अपना घर छोड़कर आफ्ताब के साथ पहले मुंबई के नायगांव और फिर वसई में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही, मतलब शादी नहीं की थी लेकिन साथ में रह रही। परिवार वालों ने श्रद्धा को बहुत समझाया, लेकिन श्रद्धा ने कहा कि वो अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद ले सकती है और आफ्ताब के साथ लिव इन में रहना चाहती। इसके बाद श्रद्धा 2020 में कुछ दिनों के लिए अपने घर आई थी जब उसकी मां का देहांत हो गया। श्रद्धा के परिवार वालों का दावा है कि श्रद्धा ने तब बताया था कि आफ्ताब कई बार हिंसक हो जाता है, मारपीट करता है, तो जैसा कोई भी परिवार वाला करेगा उन्होंने परिवार वालों ने श्रद्धा से कहा कि मारता पीटता है, हिंसक हो जाता है, तो छोड़ दो आफ्ताब को। लेकिन श्रद्धा ने इसके बावजूद परिवार वालों की बात नहीं मानी। तो मैं जो कह रहा हूं कि परिवार वाले, ऐसा नहीं कि हर बार 100% ही सही होंगे, कभी कभी गलत भी होंगे, लेकिन जब मार रहा है पीट रहा है परिवार वाले समझा रहे तब तो सुनना चाहिए। हालांकि श्रद्धा के पिता ने इस मामले में कहा है कि उन्हें शक था कि ये लव जिहाद का मामला हो सकता है और आफ्ताब को फांसी मिलनी चाहिए। एक बार श्रद्धा के पिता को सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। तो इसके बारे में कैसे पता चला सर कि दिल्ली में है ये? ये उसके दोस्त ने ही बताया कि ये दिल्ली में है। अच्छा, और सर अब चूंकि वो गिरफ्तार हो चुका है आफ्ताब और इस तरीके से जो घटना हुई है, तो सर अब आपकी मांगे क्या है, अब क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसमें? अगर उसने ये सही है, टेस्ट अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, रिपोर्ट आया नहीं है। जी जी, अगर ये रिपोर्ट आता है और वो सही बता रहा है तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। तो सर ये भी कहा जा रहा है कि लव जिहाद का भी एंगल इसमें आ सकता है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो पहले ही शक था कि ये ऐसे ही हो सकता है। जी, जी हो जी। सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ कुछ माने नहीं कि मतलब वो थोड़ा अलग है, तो आप पहले नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे। जी जी जी। तो पुलिस से आपकी लगातार बातचीत हो रही है दिल्ली मुंबई में? जी जी हो रही है। ये श्रद्धा के पिता से हमारे रिपोर्टर ने जो बातचीत की वो आपको सुनाया। श्रद्धा के कई दोस्तों और क्लासमेट्स ने भी बताया कि आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था,
चूंकि वो 2018 के बाद से ही उसके मान लीजिए कि व्यक्तित्व में परिवर्तन आने दिखने लगा था हम लोगों को, तो उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं शायद आफ्ताब का आना था। 2019 में खैर हमको पता चला है कि आफ्ताब के साथ वो रिलेशनशिप में है, तो 2018 से वो रिलेशनशिप में थी लेकिन वो सीक्रेट था। 2019 में उसके बारे में पता चला, शुरुआत में सब अच्छी अच्छी बातें पता चली, लेकिन धीमे धीमे वो खुद मतलब खुलने लगी लोगों के सामने, और उसने अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको सबसे पहली बार बताया कि आफ्ताब उस पर हाथ उठाता है। और फिर अभी हाल ही की बात है मेरे ख्याल से, श्रद्धा के माता जी का देहांत होने के बाद जब ये खबर आई थी कि श्रद्धा ने मैसेज किया था अपने बचपन के दोस्त को लक्ष्मण को कि वो आफ्ताब से बहुत बुरी तरीके से डरने लगी है, उसको ऐसा लगता है कि आफ्ताब शायद उसकी जान भी ले सकता है। मतलब वो एक रात थी जब मैसेज किया था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से रेस्क्यू करो, नहीं तो फिर हो सकता है कि आज रात मेरी आखिरी रात हो। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था, और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा के दो दो दोस्त बता रहे हैं कि वो श्रद्धा को मारता था, पीटता था, और आफ्ताब से श्रद्धा डरने लगी थी। उसने अपने दोस्तों से कहा था 2020 की बात शायद ये बता रहे हैं, जब उनकी उसकी माता जी का देहांत हुआ था, कि उस श्रद्धा को लग रहा था ये तो मार ही देगा, और इन दोस्तों ने बचाया। फिर भी श्रद्धा उसके साथ रही, तब तो कम से कम उसे परिवार वालों दोस्तों की सुन लेनी चाहिए। श्रद्धा कभी कभार अपने दोस्तों से फोन और मैसेज पर बात करती थी, लेकिन मई के बाद से उसका फोन आना बंद हो, मैसेज बंद हो, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट आने बंद हो। उसके सोशल मीडिया अकाउंट के पोस्ट और दूसरी जानकारियों से पता चला कि इस साल मार्च में श्रद्धा और आफ्ताब हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए गए। मई में श्रद्धा ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बीर में एक कैफे की फोटो पोस्ट की। उत्तराखंड और हिमाचल घूमने के दौरान दोनों ने मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला। वहां से लौटने के बाद दोनों दिल्ली में पहाड़गंज में एक होटल में रुके। 15 मई को दिल्ली के छतरपुर में फ्लैट में दोनों शिफ्ट हो गए, और इसके 3 दिन बाद श्रद्धा की हत्या कर दी। दिल्ली में श्रद्धा जिस घर में रहती थी उस घर की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर के पहाड़ी के हाउस नंबर 93/1 में आफ्ताब के साथ किराए पर रहती थी। यही वो घर है जहां उसका मर्डर हुआ। इसी घर की पहली मंजिल पर दोनों साथ रहते थे। यहां से मैरोली जंगल की दूरी 500 मीटर। आसपास के लोगों ने बताया कि आफ्ताब और श्रद्धा की लड़ाई की आवाजें आती थी। इसी घर के अंदर श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। अगर आप आफ्ताब पूनावाला का सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो आपको उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आफ्ताब जैसे लोग जो मर्डर कर देते हैं, इनके साइकी समझना जरूरी है, जो अभी आगे बताऊंगा कि इनको कैसे पहचानना है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए ना, कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर में आफ्ताब ने महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दिखाने वाली पोस्ट शेयर की है। यह तस्वीर 29 नवंबर 2014 की है। जो महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का पोस्ट शेयर कर रहा है वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड को मारता था। कैसे समझेंगे कि वहां सोशल मीडिया पे क्या ड्रामा कर रहा है और रियल लाइफ में क्या है? यही पोस्ट हो सकता है श्रद्धा ने भी देखा होगा। दूसरी तस्वीर 29 अक्टूबर 2015 की है, जिसमें दिल्ली पर पटाखे न जलाने का संदेश दिया गया था। उस तस्वीर को आफ्ताब ने शेयर किया। जो अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान नहीं रख पा रहा है वो दुनिया का ध्यान रख रहा है कि पर्यावरण बचा। तीसरी तस्वीर 3 अक्टूबर 2016 की है, जिसमें आफ्ताब फलों और सब्जियों को पेशेवर तरीके से काटने के तरीके बताने वाली तस्वीर शेयर कर रहा है। अब यह पोस्ट देखकर कोई थोड़े ही समझ पाएगा कि अगले 6 साल बाद यह अपनी गर्लफ्रेंड को काट रहा होगा। इस पोस्ट में तो सब्जी काटना बता रहा है, यह अपनी गर्लफ्रेंड काट देगा, क्योंकि यह सब सामान्य पोस्ट है जो आसपास लोग करते हैं।
आफ्ताब के बारे में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आफ्ताब एक शेफ था, फोटोग्राफर भी था, फूड ब्लॉगर भी था, कॉल सेंटर में काम कर चुका था और उसके बाद आईटी कंपनी में भी काम कर चुका था। आफ्ताब कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने श्रद्धा का मर्डर किया वो बहुत भयानक। अभी तक जो डिटेल्स पुलिस से हमें पता चल पा रही हैं, दूसरे जगहों से सोर्सेज पता करके बता रहे हैं, 18 मई को श्रद्धा की हत्या कैसे हुई जरा ये भी सुनिए। 18 मई को आफ्ताब और श्रद्धा के बीच किसी बात पर बहस हुई। श्रद्धा ने कुछ ऐसा बोला जो आफ्ताब से बर्दाश्त नहीं, उसने श्रद्धा को बेड पर धकेला और उसका गला दबा दिया, जिससे श्रद्धा की मौत हो गई। मतलब काट के नहीं मारा, पहले गला दबा के मारा, फिर श्रद्धा को मरा हुआ देखकर उसके हाथ पांव भी फूले, क्योंकि मर्डर शायद पहली बार किया होगा, अभी पता नहीं आगे कुछ निकल कर आए तो, लेकिन मर्डर कर दिया, मर गई, ये सोचा हो सकता है उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट में, नहीं सोचा होगा कि क्या होगा, तो उस वक्त टेंशन में आया, फिर सारी रात सोचता रहा कि कैसे श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। हत्या करने के बाद रात भर आफ्ताब ने बॉडी को ठिकाने लगाने के तरीके ढूंढे, उसने इंटरनेट पर वो तरीके ढूंढे जिससे वो श्रद्धा के शव के टुकड़े कर सकता था। मतलब उस वक्त वो तुरंत पैनिक मोड में जाने के बाद रिकवरी मोड में आया कि कैसे अब इसको ठिकाने लगाना है, इतना शातिर दिमाग चल रहा था उसका। उसने गूगल सर्च से पता किया कि फ्लोर से खून के धब्बे कैसे हटाने हैं, गूगल सर्च से पता लगाया कि खून से भरे कपड़ों को कैसे ठिकाने लगाया है लगाना है। आफ्ताब ने कुछ फिल्में देखी रात में बैठकर, अमेरिकी क्राइम शो है डेक्स्टर, उस जैसे कुछ टीवी शो देखे रात में बैठकर, बगल में गर्लफ्रेंड का शव पड़ा हुआ है, रात में ये सब कर रहा है वो, कि शव को कैसे ठिकाने लगाना है ये सब पता चल सके। फिर श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए आफ्ताब ने फिल्म्स और क्राइम शो में दिखाए तरीकों का ही इस्तेमाल किया। सारी जानकारियां रात में इस आदमी ने जुटाई, देख रहे हैं इसका दिमाग। फिर आफ्ताब ने शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग जब कर ली तो हत्या करके वो श्रद्धा के शव को बेडरूम से बाथरूम में लेकर गया। अगले दिन यानी 19 मई को सुबह 11 बजे एक लोकल मार्केट गया, लोकल मार्केट से उसने 150 रुपए की आरी खरीदी श्रद्धा के शरीर को काटने के लिए। छतरपुर की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से उसने डबल डोर का फ्रिज खरीदा 19,000 रुपए में, जिसमें बॉडी को रखेगा। फिर अपने बाथरूम में गया, श्रद्धा के शव को दो दिन तक 35 टुकड़ों में इसने काटा। ह्यूमन बॉडी है ना भाई, सब्जी थोड़ी है कि गए और खटखट खटखट काट दिया। दो दिन तक इसने 35 टुकड़ों में उसको काटा है। बाथरूम में शव को काटते हुए कोई आवाज ना आए इसके लिए नल खोल दिया इसने। शव को 35 टुकड़ों में काटने के बाद उसने बॉडी पार्ट्स को पॉली बैग में भरा, और जैसे आप सब्जी चिकन मटन कुछ भर के रखते होंगे वैसा 35 टुकड़ों में काटने के बाद 35 पॉली बैग जो है वो फ्रिज में रख दिए। फिर भी इसके दिमाग में था कि दुर्गंध तो आएगी, तो दुर्गंध ना आए इसके लिए उसने रूम फ्रेशनर मारा, परफ्यूम मार दिया खूब सारा, अगरबत्तियां जलाकर रखने लगा। शव के टुकड़े करने के बाद बाथरूम को क्लीन करने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया ताकि कोई दाग ना रह जाए। अब आपको वो फ्रिज दिखा रहा हूं जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे थे। 19,000 में नया फ्रिज खरीद के लाया गर्लफ्रेंड के शरीर के टुकड़े रखने के। बताया जा रहा है कि जिस फ्रिज में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे गए थे उसी फ्रिज का इस्तेमाल भी कर रहा था। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि दिखने में सामान्य था लेकिन इसका दिमाग सोचिए कितना खुराफाती, कितना क्रिमिनल माइंडेड और कितना कट्टर, कि जिस फ्रिज में इस आदमी ने, ये भी नहीं कि फ्रिज रख दिया चलो इसमें डेड बॉडी रखनी, उस फ्रिज को यूज कर रहा है। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक फ्रिज में शव के टुकड़ों के साथ आइसक्रीम रख रहा था, ये कोल्ड ड्रिंक रख रहा था, ये वो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खा पी रहा था। ये सोच के भी आपको जो है यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसा कर सकता है, इसलिए मैंने कहा कि शॉकिंग डिटेल्स जो सोर्सेज बता रहे हैं वो निकल कर आई हैं कि फ्रिज में डेड बॉडी है, वहां कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम रख के खा रहा है। अच्छा, श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब अपने फ्लैट पर एक लड़की को लेकर आया, और जब लड़की इस फ्लैट पर आई तब भी फ्रिज के अंदर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे, सोर्सेज कह रहे हैं।
मैं तो उस लड़की का सोचता हूं, गलती से उसने फ्रिज खोल लिया होता तो वो तो हार्ट अटैक से मर गई होती कि अंदर क्या है। ये बातें सोर्सेज बता रहे हैं, जांच आगे बढ़ेगी तो चीजें और निकल कर आएंगी। यहां ये बात समझनी होगी कि ये कोई आवेश में आकर की गई हत्या नहीं थी, ये कोई गुस्से में आया पागलपन से किया गया मर्डर नहीं है, ये पूरी तरह से प्लानिंग करके कूल माइंड से की गई हत्या है जिसमें आफ्ताब को कोई अफसोस नहीं, आफ्ताब का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अपराध किया गया है वो किसी पेशेवर अपराधी के तरीके को भी फेल करता है।